अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्बा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। मिलाद कमेटी रोस्टल के ज़ेर इंतज़ाम दारुल मुनव्वर गंगोल शरीफ सेंटर में सालाना महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इनेकाद हुआ। उल्मा ने आकाए कायनात के खुल्क अजीम बारे दरस देकर आशिकान रसूल के ईमान को ताजगी बख्शी। हमें रूहानी महफिल के बारे में मजीद अहवाल बता रहे हैं आरिफ चौधरी। मिलाद कमेटी रोस्टल के ज़ेर इंतज़ाम दारुल मुनव्वर गंगोल शरीफ सेंटर में सालाना महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इनेकाद हुआ। उल्मा ने आकाए कायनात के खुल्क अजीम बारे दरस देकर आशिकान रसूल के ईमान को ताजगी बख्शने के साथ आकाए कायनात के बताए हुए रास्ते पर चलने का दरस दिया और आकाए कायनात पर गुलहाए अकीदत के फूल निछावर करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालने के लिए बरतानिया भर से सना खां और जैद आलमी दीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के इंतजाम रोस्टल की मुमताज मजहबी शख्सियत हाजी जफर अहमद नक्शबंदी ने किए थे। मिलाद कमेटी रोस्टल के सदर मौलाना कारी अब्दुल रऊफ नक्शबंदी ने कहा कि आकाए कायनात से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद महफिल में शरीक है। ऐसी महाफिल हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए मौसर साबित होंगी। अल्लाह ताला हमें इस अकीदे पर साबित कदम रखे। जामिया चिश्तिया में दीनी खिदमत अंजाम देने वाले मौलाना मोहम्मद इरफान चिश्ती ने कहा कि हमने आकाए कायनात के खुल्क अजीम बारे आशिकान रसूल को बताया। तमाम अहले ईमान को आकाए कायनात के जश्न विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना मोहम्मद जमान खादम अदारा और मौलाना जुनेद अख्तर का कहना था कि मिलाद का असल मकसद अपने अंदर गरौर कम्युनिटी में आकाए कायनात के खुल्क अजीम को अपनाएं। मौलाना सदीक कौसर का कहना था कि महफिल मिलाद में कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। मिलाद का खसूसी पैगाम है कि अपनी जिंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक ढालकर नमाज की बाकायदगी से अदायगी करें। रूहानी महफिल के रूहरवां मुमताज मजहबी शख्सियत हाजी जफर अहमद नक्शबंदी ने तमाम मेहमानों और उलमाए कराम का महफिल में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि माह रबीउल अव्वल के दौरान आकाए कायनात पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ कर भेजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इताअत रसूल अता फरमाए और इत्तेबा रसूल अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की पूरी उम्मत पे रहम फरमाए और ये बरकात हर मुसलमान को अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के जो सर अंजाम अवली है यहाँ पर उन सब नमाजियों का उलमाए किराम का जितने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असी अज जश्न मनाया और ये माशाल्लाह काफ़ी उलमा आए ने और उन्होंने जड़े नात खुआन से उन्हें नातों पढ़िया जिन्हें बयान करना से उन्हें बयान किया। माशाल्लाह बड़ी प्यारी नूरानी महफिल हुई है। मैं सारे जितने आए ने सारे शुक्रिया अदा कर सा। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मुख्तलिफ़ उन्वानात के साथ मुनाकिद हो रहे हैं। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल हम सब की मगफरत फरमाए। जो रोज़ाना ईद मिलाद नबी के प्रोग्राम होते हैं आज गंगोल शरीफ की मस्जिद में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। नात पाकी भी पेश किए गए और बिलखसूस आज का मौजू अभी भी मुकर्रर खतीब साहब बोल रहे हैं ये इत्तबा रसूल इताअत रसूल के बगैर मोहब्बत रसूल बिल्कुल मुकम्मल नहीं। In Rochdale is about being obedient and following the footsteps of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Today the scholars are delivering the message that for us to be successful in life we must follow the teaching of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mehfil mein sharik afraad ke tawaza khususi langar se ki gayi. Ulmae deen ne Maah Rabiul Awwal mein aqai kainat ke jashn-e-viladat par ummat-e-muslima ko aqai kainat ke aswa-e-hasna ko apni zindagi mein apnane ka dars dekar aalmi satah par deen-e-islam ke masbat pehlu ko ujagar kiya. Mazeed ba khabar rehne ke liye dekhte rahiye Underground News।